Welcome everybody and welcome back to my channel. So here in this video we will talk about Amazon internship program. So these internships are offered by Amazon or the organizations that are working closely with Amazon, and it's basically for the students from undergraduate degree or having their masters or having their PhD. So aap log isme apply kar sakte hain and you will have an international exposure by working with Amazon and its companies. So आपके पास ये interface खुलेगा, मैं link जो है वो description box में दे दूंगी, so आप वहाँ से इसको open कर सकते हैं. Then आपके पास ये information है, jobs and internships for students. So यहाँ पे job type है, either you want to have a part-time job or you want to have an full-time job. So यहाँ पे आप इस field को select कर सकते हैं. Then आप कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ था. ठीक है, सो आप यहाँ पे कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट और प्रोविंस सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी और जो है टीम रोल टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी भी. ठीक है, यहाँ पे आप इन फिल्टर्स को फिल्टर आउट करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो इंटर्नशिप्स आ रही हैं आप उनमें से किसी इंटर्नशिप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास ये खुल जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ये बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप है और ये म्यूनिच में है. ठीक है, और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं By clicking apply now. जब आप apply now को क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा. आप लॉग इन करेंगे या क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे और आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा. सो आफ्टरवर्ड्स आपके पास ये कुछ चीजें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है. रेज्यूमे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चन, एजुकेशन है और इसके अलावा वर्क एलिजिबिलिटी है, एक्नॉलेजमेंट एंड कॉन्सेंट है, देन वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. सो आप जैसे ही इसको करेंगे क्लिक तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा. यहाँ से ये इंटरफेस खुलने के बाद आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बेसिकली ये इंटर्नशिप अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए है. सो आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेनी है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है वो पढ़ लेनी है. ठीक है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी आप पढ़ लेंगे और आपके पास अगर ये स्किल्स हैं यू विल एड these skills into your resume. So यहाँ पर आप apply now पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप या तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे. ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉग इन कर लेंगे. इसके बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा और आपने अपने वन बाय वन हर फील्ड को जो है वो फिल करना है. सो यहाँ पे सबसे पहले रेज्यूमे है आपके पास, आप रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देंगे. यहाँ पर आप लिंक्डइन के थ्रू भी अपना प्रोफाइल जो है सेटअप कर सकते हैं. इसके अलावा इसको आप सेव करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी और इसके बाद आप नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे. ठीक है, आपके पास आ जाएगी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट में आपके पास आपका फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम और ये सारी चीजें आप ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे. सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप जनरल क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे. ठीक है, जनरल क्वेश्चंस के बाद आप इसके अंदर देख लेंगे कि प्रेफर्ड स्टार्ट डेट क्या है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, इफ अमेजोन करियर साइट प्लीज स्पेसिफाई. उसके बाद आप इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपके पास एजुकेशन की फील्ड आ जाएगी. सो यहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, स्कूल नेम क्या है, फर्स्ट मेजर क्या है आपका, आप वो एंटर कर देंगे. आर यू करंटली अ स्टूडेंट, तो मैंने नो किया है, बल्कि आप येस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट इंटर्नशिप्स हैं. ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिख देंगे आप इधर. ठीक है, और इसके बाद आप सेव एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास जो फील्ड खुलेगी वो जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस की होगी. यहाँ पे जॉब के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आप कब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवेलेबल टू वर्क एट अमेज़न,
व्हाट इज द लेवल ऑफ मोस्ट रिसेंट डिग्री यू हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है. इसके अलावा आर यू प्लानिंग टू अंडरटेक फर्दर स्टडीज, सो मैं यहाँ पे यस आई प्लान टू टेक फर्दर स्टडीज. देन आपके यूनिवर्सिटी का नेम, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, व्हेन व्हाट मंथ डिड यू ग्रेजुएट, देन योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, देन योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन जर्मन. हमें जर्मन नहीं आती, सो वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट. इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर लैंग्वेजेस हैं जो आप बोल सकते हैं, और इसके बाद व्हाट डेट वुड यू बी एबल टू स्टार्ट. सो यहाँ पे आप दोबारा इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड ओपन हो जाएगी वर्क एलिजिबिलिटी की. यहाँ पर आपसे कुछ सवालात होंगे, हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू अमेजोन, सो मैंने एक नो को क्लिक किया है. देन हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन, सो आई हैव क्लिक नो. आर यू सब्जेक्ट टू अ नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट विच प्रिक्लूड और रिस्ट्रिक्ट योर एम्प्लॉयमेंट एट अमेजोन, तो इसको भी हम नो क्लिक कर देंगे. उसके अलावा डू यू नीड और विल नीड एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अमेजोन, तो हमने इसको येस किया है. आर यू लिविंग इन ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और क्राइमिया, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे. व्हाट इज योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप, आप पाकिस्तान लिखेंगे. और अगर आपके पास कोई अदर सिटीजनशिप है, अभी तो नहीं है, सो हम नो क्लिक कर देंगे. देन सेव करेंगे और आपके पास आ जाएगी अगली फील्ड, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट एंड कॉन्सेंट की. सो यहाँ पर जाकर आप इनको कॉन्सेंट देंगे कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हायरिंग प्रोसेस के दौरान, और आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सही प्रोवाइड किया है. यू कैन चेंज योर कॉन्सेंट चॉइस एनी टाइम इन सेटिंग्स, यू कैन अप्लाई फॉर अदर जॉब्स इन द फ्यूचर इवन इफ यू डोंट प्रोवाइड कॉन्सेंट, एक्सेप्ट कर लेंगे. इसके बाद रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम अमेजोन डॉट जॉब्स, इसको भी आप से यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे. देन आपके पास वॉलेंट्री इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का फील्ड आएगा. सो यहाँ पर आप पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर, सो आप अपना जेंडर क्लिक कर देंगे. उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं. देन वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, और इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देंगे, आर यू एन एक्स मिलिट्री ऑफिसर, सो आप नो क्लिक करेंगे. आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्सेज ऑफ योर कंट्री, नो. आर यू अ मिलिट्री स्पाउस, देन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे. और उसके बाद आपके पास, सो यहाँ पे एजुकेशन की फील्ड मेरी सेव नहीं हुई भी, हम इसको ठीक है यहाँ से सेव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है लेस देन 6 मंथ्स अगो, तो आप ये देखेंगे कि आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू देख सकते हैं, और उसके बाद सारी चीजें ठीक होने के बाद आप यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक कर देंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़.